हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनको याद करेंगे, और इनको याद करेंगे हम तीन जो शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वो हैं, पांच आदमी मध्य प्रदेश गए, MSD महेंद्र सिंह धोनी लास्ट बॉल पर कैच आउट हुए, और तीसरा जो है वो है राजस्थान में बाघों को तिल खिलाए जाते हैं, बाघ जो होते हैं उनको तिल खिलाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे आपको हेल्प करेंगे याद करने में। तो यहाँ से आप देखिए, MSD से M महदहा, S से आपको सराय नहर याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और D से दमदमा। अब लास्ट बॉल में आपका लेखैया और बगाई खोर, तो ये पांचों आपको याद हो गए हैं। उसके बाद चलते हैं आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग GK पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो लोकेशन है या मैप है वो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप इंडिया के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया का मैप और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो आपको ये डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अगर आप वर्ल्ड का मैप कर रहे हैं तो वर्ल्ड के मैप की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश में मैंने आपका शॉर्टकट बनाया, पांच आदमी मध्य प्रदेश गए। कितने आदमी गए? पांच आदमी। तो पांच आदमी पंचमढ़ी और चार से चौपानी मांडा और आदमगढ़। आप लोग अगर ऐसे लिस्ट बनाएंगे और फिर आप शॉर्टकट लिखेंगे तो आप लोगों को सारे एक साथ याद हो जाएंगे। बहुत ही इनडेप्थ हम सीख रहे हैं GK को, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। और अगर आप इस तरह से स्टडी करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, कोई भी GK का, कोई अगर आपका कोई भी GK का एग्जाम है। तो अब अगला है आपका पंचमढ़ी, चौपानी और आदमगढ़। उसके बाद है राजस्थान में बाघों को तिल खिलाते हैं, राजस्थान में बाघों को तिल खिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बागोर, बाघ से बागोर याद हो जाएगा आपको, तिलवाड़ा, और इनको तिल खिलाते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था इसको कि पांच आदमी मध्य प्रदेश गए और वो उसके बाद वो लंच करने गुजरात गए। तो लंच करने गुजरात गए तो लंगनाज, आपको यहां से याद हो जाएगा लंगनाज। तो चलिए अब इनके थोड़े से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। आपको ये तो याद हो गए कि कौन सी चीजें कहाँ है। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से एक बार पूछूं कि चौपानी मांडा कहाँ पर है तो आपको पता होगा कि चौपानी मांडा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपको मैं बोलूंगा कि बागोर तो आपको पता है कि बाघ को तिल खिलाते हैं कौन, राजस्थान में, तो राजस्थान आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे आपका क्या है कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है लेखैया, लेखैया में क्या है कि 17 नर कंकाल मिले थे। उसके बाद सराय नहर में प्रथम मानव अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि जो प्रथम आपका मानव अस्थि पंजर मिला था वो कहाँ मिला था, सराय नहर में। और उसके बाद आ जाते हैं महदहा में दो युगल समाधि मिली थी, जोड़े में क्या थी, समाधि नहीं, उन्हें दफनाया गया था साथ में। उसके बाद आते हैं बागोर में, बागोर क्यों इंपॉर्टेंट है, बागोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हमें पता चलता है कि सुनियोजित तरीके से क्या किया जाता, शवों को दफनाया जाता था। और तिलवाड़ा में चौक के बर्तन मिले थे। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बोलते कि राजस्थान में बाघों को तिल किसमें, चौक के बर्तन में खिलाए जाते हैं, चौक के बर्तन में खिलाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से तिलवाड़ा के साथ साथ में एक और फैक्ट याद हो जाएगा, चौक के बर्तन। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी। अभी हम मध्य पाषाण काल में हैं, इसके बाद हम नव पाषाण काल की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सीरीज पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।